आलोचन है गुणवाने आई नो नरेशन इज गोइंग ऑन एंड इन नरेशन में बच्चों आप लोगों को बता चुके हैं कि देयर आर थ्री मेन रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए मुख्य रूप से तीन नियम हैं। पहला है चेंजिंग इन टेंस, टेंस में परिवर्तन, कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होता है इसको बताए हैं। इसके बाद बताए हैं हेडिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में दो एक्सेप्शन बताए हैं। पहला एक्सेप्शन था इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन दैट कंडीशन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कुड नॉट बी चेंज्ड। ये फर्स्ट रूल था एक्सेप्शन का, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा एक्सेप्शन था एक द रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, इन दैट कंडीशन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कुड नॉट बी चेंज्ड। मीन्स यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल ट्रुथ इत्यादि शो कर रहा हो तो उस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बताए थे, इसके बताए थे चेंजिंग इन पर्सन में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नोचे। यहाँ तक हुआ था पर्सन बदलने का ही ये छोटा सा फार्मूला बताए थे इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोचे। ये बताए थे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं दस्टो हैं आई मी माई 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 सेल्फ वी यस आवर ours ourselves दस्ट हैं। लिखा रूल में चेंज दी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड था चेंज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू यू योर योर्स योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जिनकी संख्या 18 है वो नॉट बी चेंज, ये नहीं बदलेंगे। यहाँ तक हुआ था यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो थ्री मेन रूल्स हैं, जो तीन मुख्य नियम हैं, चेंजिंग इन टेंस ये हो चुका है, चेंजिंग इन पर्सन ये हो चुका है, और जो थर्ड रूल बच रहा है वो तो क्या है द वर्ड्स और अदर चेंजिंग, द वर्ड्स और अदर चेंजिंग रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, हाँ बता रहे थे कि जो थ्री मेन रूल्स थे, तीन मुख्य नियम, पहला चेंजिंग इन टेंस हो गया, दूसरा चेंजिंग इन पर्सन हो गया, तीसरा जो मेन रूल है, मेन रूल में द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग, द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग यानी अन्य परिवर्तन के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे चेंज करते समय वो जो है आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग तीसरा जो है ये मुख्य रूल है, अन्य परिवर्तन के लिए शब्द जैसे दिस है, दिस का दैट, These क्या हो जाएगा दोज, नाउ, देन, हैंस, देंस, कम, गो, टुडे, दैट डे, स्टडी,
The previous day. तरीके से टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, the next week, the following week, the next month, the following month, the next year, the following year, can, could, may, might, must, इतने वर्ड्स हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैसेज करते हैं तो ये वर्ड जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, जैसे दिस का दैट, दिस का दोस, नाउ का दैट, हैंस दैट, कम गो, टुडे दैट डे, स्टडी द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, द लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, द लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर। इस तरीके टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक का द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, कैन कुड में माइट और मस्ट का मस्ट जाता है। इस तरीके से जो है ये चेंजिंग होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे दिया है ही सेड टू मी यू डिड नॉट give me your book yesterday। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, he said to me, come and come on, you did not give me your book yesterday। अब इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के पश्चात क्या हो जाएगा, he said to me, he told me connection that, so you देखिए, you
सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अनुसार। इस समय रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यू है ये यू लिखा है सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यू जब सेंटेंस का शुरू होता है तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सेंटेंस के मिडिल में या लास्ट में होता है तो हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सेंटेंस के बिगिन में है तो ये सेंटेंस अलग होता है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा क्या है रिपोर्ट स्पीच है। तो यू जो है यू सेंटेंस के शुरू में लिखा है, शुरू में लिखा है तो क्या हो जाएगा यू मी के अनुसार यहाँ पर ये आई हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पर यू इज रिटन इन सब्जेक्टिव फॉर्म हियर, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा है, इसलिए यहाँ पर यू जो है मी के अनुसार आई हो गया है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, आई हो गया। Did not give it. Did helping verb, give main verb. इस helping verb और main verb से स्पष्ट होता है कि this sentence is given in past and different tense and according to narration past and different tense change into past perfect tense. So did change into had because had is the helping verb of past perfect tense. Had not और past perfect tense में always use third forms of the verb. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि gave given. Given me is also a pronoun and me is the first person pronoun and first person pronoun could be changed according to subject of reporting speech. और जो me होता है me first person का pronoun है और first person का pronoun change होता है reporting speech के subject के अनुसार। And at present time he is the subject of reporting speech. समझिए क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। और यहाँ पर मी जो लिखा हुआ है मी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आई सब्जेक्टिव मी ऑब्जेक्टिव माई माई पजेसिव। तो मी यहाँ पर मी जो लिखा हुआ है मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बदलेगा के अनुसार ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा हो जाएगा हिम, यहाँ हो जाएगा हिम him. Your is the second person pronoun and second person pronoun could be changed according to object of reporting speech. देखिए यहाँ पर जो your है ये second person है यही बदलेगा object के अनुसार, you भी second person था यही बदला object के अनुसार, your भी second person है बदला object के अनुसार। And यहाँ पर your is written in possessive form here और यहाँ पर जो your है ये possessive form में लिखा हुआ है तो बदले के मी के अनुसार, मी का पजेसिव फॉर्म क्या होता है आई मी माई माई हो जाएगा यहाँ पर माई माई बुक। और द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग अन्य परिवर्तन के वर्ड्स स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग क्या हो गया ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग ये लिखा है स्टार्टिंग क्या हो गया ये द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा यहाँ पर द प्रीवियस डे द प्रीवियस डे। अब देखिए यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ नरेशन में फाइव चेंज होता है, पहला चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, दूसरा पहला चेंजिंग यहाँ पे है, दूसरा जो है ये कंजक्शन, तीसरा जो है हमारा पर्सन बदला, चौथा ये हमारा टेंस बदला ये, और पांचवा जो परिवर्तन हुआ ये द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग, फाइव चेंजिंग हुए नरेशन में, जिसको फाइव चेंजिंग करना आ जाएगा वही नरेशन को जो है सही नरेशन कर पाएगा। तो कोई भी नरेशन हो तो बोर्ड एग्जाम में पांच प्रकार के नरेशन आपको पढ़ना है, असर्टिव सेंटेंस, इंडिकेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, सिस्टमैटिक सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। उसके लिए क्या है जो शुरू में बताए हैं थ्री मेन रूल्स, तीन जो है मुख्य रूल, पहला चेंजिंग इन टेंस, टेंस परिवर्तन हो गया है, दूसरा बताए हैं चेंजिंग इन पर्सन, पर्सन परिवर्तन, और जो थर्ड है द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग, अन्य परिवर्तन के लिए वर्ड्स हैं इनको जो है आप लोगों को रखना पड़ेगा, ये सब रख लीजिएगा और बुक में दिया है उसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, इसको जो है बार बार इसको देखना ना पड़ेगा। तो नरेशन में कुल मिलाकर के फाइव चेंजिंग होंगे, पहला रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर है, दूसरा इस कामा और इन्वर्टेड कामा वाला कंजक्शन, तीसरा पर्सन बदलेंगे, टेंस बदलेंगे और अदर चेंजिंग का वर्ड्स बदलेंगे, टोटल फाइव चेंजिंग होता है। इस तरीके से जो है ये हमारा हुआ द वर्ड्स फॉर अदर चेंजिंग।